आज चौधरी गेस्ट हाउस जायस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जिलाध्यक्ष अल्पसंख्यक सैयद हुसैन अशरफ ने कहा, 2024 में कांग्रेस सरकार बनते ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा बहाल किया जाएगा। कर्नाटक में हमारी सरकार बनते ही 5 वादे तत्काल पूरे किए गए। कांग्रेस के जनाधार को बढ़ता देख बड़ी संख्या में लोग कांग्रेस से जुड़े। वसीम उर्फ लल्ला जायस का अल्पसंख्यक अध्यक्ष बनाया गया। अपने साथियों के साथ 2024 के लिए तन मन धन से सहयोग करने का वादा किया। मौके पर सुनील कुमार, अनिल साहू, घनश्याम सोनकर, जावेद आलम, शमीम चौधरी, हलीम चौधरी, चांद खान उर्फ सभासद कामिल ने अपने विचार रखे कि जो अल्पसंख्यक एक्ट बना है, जो अधिकार दिए गए हैं, अलीगढ़ विश्वविद्यालय लगातार बजट कटौती करते करते 2014 से अब तक, तो ये शंका लग रहा है कि ये मान्यता पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी, माइनॉरिटियों के अधिकार खत्म कर दिया, जब बजट नहीं है तो, और ये भी आशंका है कि इसके बिल ला करके इसको समाप्त किया जाएगा। मुख्य मुद्दा यही है, कर्नाटक सरकार जो भी बनी हुई है ये कांग्रेस और मुसलमानों की देन है। वन साइड जो मीडिया सर्वे किया है कि सारे मुसलमान माइनॉरिटी कांग्रेस को इस बार कर्नाटक में सरकार बनी है, तो क्या उत्तर प्रदेश में ये हो सकता है? देखिए, हम ये नहीं कह सकते कि एक कम्युनिटी कोई सरकार बनाती है, और ये कहना गलत होगा कि मुसलमानों ने सरकार कर्नाटक में बनाई है। हम ये ज़रूर मानते हैं कि मुसलमानों ने समझदारी से वोट किया है, और एक स्वर में एक जगह पर वोट डालना किसी भी कम्युनिटी और सभी लोगों ने मिल करके सरकार में सबकी भागीदारी है, और सभी के समाज के लोगों ने, अभी अब देखिए कि कर्नाटक का मुख्यमंत्री पाल बने हैं, पाल समाज से आए हैं, और सिद्धरमैया जी पाल हैं, तो OBC हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि मुसलमानों ने वहाँ कर्नाटक में सरकार बना दी है, लेकिन ये ज़रूर है कि मुसलमानों ने कांग्रेस में अच्छी भागीदारी दी है, और उसकी वजह से सरकार में जो बहुमत मिला है वो सभी लोगों की हिस्सेदारी है। हम ये कतई नहीं मान सकते कि एक समाज के लोग सरकार बना सकते हैं। इस तरह से एक मांग उठ रही है उपमुख्यमंत्री एक मुसलमान की तरफ से बनाया जाए, तो इसके मांगा जाना चाहिए, अधिकार है और बनना चाहिए, और सरकार को भी पार्टी को भी सोचना चाहिए कि माइनॉरिटी के एक अगर मुख्यमंत्री बन जाता है तो पूरे देश और समाज में एक हिस्सा जाएगा, और एक बड़ी हिस्सा इस देश के अंदर माइनॉरिटी का है। अगर एक उपमुख्यमंत्री देते हैं, मौका मिला है, क्योंकि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री हमारे रह चुके अंतुले साहब, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री मुसलमान रहे हैं वो, तो अगर उपमुख्यमंत्री वहाँ बनाते हैं कर्नाटक तो कोई बड़ी बात नहीं है, और मांग अच्छी है और बनाना चाहिए। जिस तरह जायस में मुसलमान वन साइड वोट दिया है, जो कांग्रेस यहाँ से सीट निकाली, क्योंकि पहले वोट बढ़ जाता था, इस बार बहुत समझदारी से लोगों ने वोट दिया है, इसके बारे में क्या है? जायस का मिसाल तो हम पूरे देश से नहीं दे सकते हैं। जायस ने वो मिसाल कायम किया है कि आप जायस से दिशा पूरे देश के लोग लें, और इतनी समझदारी, इतनी चुपचाप और खामोशी से शांतपूर्वक जिस तरह से मतदान किया है, वो पूरे देश का एक मैसेज है। पद यात्रा जो चली कश्मीर से कन्याकुमारी, उससे प्रभावित होके और कांग्रेस के हमारे जिला अध्यक्ष सैयद हुसैन अशरफ जी के नेतृत्व में हम नगर अध्यक्ष बनाए गए हैं, इस पर हम पूरी कोशिश करेंगे कि इनके वादों पे हम खरे उतरें, और जायस वालों के लिए कुछ करने का जुनून है वो हम इस पर कांग्रेस में जुड़ के करना चाहते हैं। पहले किस पार्टी में आप थे और कितने लोग आपके साथ आए? पार्टी में हमको छोड़ के कांग्रेस का दामन थामा है, ऐसी कौन सी विचारधारा है कांग्रेस की जिससे आप उन विचारधाराओं से प्रेरित होकर कांग्रेस ज्वाइन किया, और कांग्रेस द्वारा आपको अल्पसंख्यक मोर्चा का नगर अध्यक्ष मनोनीत किया गया है? देखिए, मैं भाजपा का तो कभी कैंडिडेट रहा नहीं, ये तो लोगों ने अपने आप उतारा। मैं तो राजा मंगेशकर चरण सिंह को मानता था, उन्हीं के साथ रहता, उनको मानता था, इसलिए उनके साथ था मैं, कोई भाजपा के साथ मैं था नहीं, इसलिए मैं किसी पार्टी में कभी ज्वाइन नहीं था। पहली बार कांग्रेस में आया हूँ, और जो भी मुझे शीर्ष नेतृत्व ने जो भी वो दिया है, पद दिया है, उसके खरा उतरने की कोशिश करूँगा, और यही मेरा कहना। आपके समर्थन साथ कितने लोग आए? हमारे समर्थन में कम से कम 150 लोग हैं, लेकिन अभी 15-20 लोगों ने साथ में ज्वाइनिंग किया है, बाकी तो हमारी टीम है ही है, इसको किसी बताने की जरूरत नहीं है, नाम ही काफ़ी है।